स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सूबे में 1 अक्टूबर को एक ही फेज में 90 सीटों पर वोटिंग होनी है और 4 तारीख को यानी कि 4 अक्टूबर को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही जेजेपी में इस वक्त भगदड़ मची हुई है। जेजेपी से पिछले 48 घंटे में 5 विधायकों ने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में सियासी भूकंप, विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को झटका, बड़ी मुश्किल में फंसे दुष्यंत चौटाला। बीजेपी के 5 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। हरियाणा विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही राज्य में सियासी खेल शुरू हो गया है। बीजेपी सरकार में 4.5 साल तक साझेदार रही जननायक जनता पार्टी के विधायकों में भगदड़ मची हुई है। 48 घंटे के अंदर पार्टी के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि पिछली बार सत्ता की चाबी बनी जेजेपी क्या वोटिंग से पहले ही खत्म हो जाएगी। पार्टी के जिन 5 विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें उकलाना से विधायक अनूप धनक, टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, शाहबाद से विधायक रामकरण काला, गोला चीका से विधायक ईश्वर सिंह और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग शामिल है। ये विधायक कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, रामकरण काला बीजेपी में जा सकते हैं। ये विधायक अनूप धनक, जोगीराम सिहाग। विधायकों के पार्टी छोड़ने पर जेजेपी की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ गई है। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कई लोगों ने हमें धोखा दिया है, किसी के आने और जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह ने कहा कि जब पार्टी बनी तो ये दूसरी पार्टियों से आए थे, चुनाव होने के बाद ये विधायक बन गए, अब इन्होंने पार्टी छोड़ दी। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। वो हमारे अच्छे मित्र थे, मेरे पिताजी के राजनीतिक शिष्य थे, उनकी उंगली पकड़ करके उनने संघर्ष किया। बीच रास्ते अगर कोई धोखा दे जाए तो वो उसकी अपनी फितरत है। हमारा काम संघर्ष करना है, लोगों के हित के मुद्दे उठाना है और हम अपने मूल मकसद से भटकने वाले लोग नहीं हैं। कोई आए, कोई गाड़ी में आएगा भी, कोई गाड़ी की खिड़की खोल करके चला भी जाएगा, कोई बैक स्टैबिंग करेगा, कोई धोखा देगा, इन बातों की कोई परवाह नहीं। चौधरी देवीलाल को तो सारा हरियाणा का राजनीतिक जो लेखा जोखा जितना भी है उन्हीं का लिखा हुआ था और मेरे हिसाब से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे। उनके 9 रत्नों में से भी आधे रत्न उनको धोखा दे करके चले गए थे, तो जिनका आपने नाम लिया तो उनके विचारों की उनके सामने क्या वो है।